नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टी टी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एम पी टेड बायोलॉजी की क्लास रहेगी आपके चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्लासेज चल रही हैं बाई जयसवाल कोचिंग सेंटर इसके पहले भी हम महत्वपूर्ण जो है टेन क्लासेज आपके कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य जाके लाइव क्लास में अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाती है जिसका बटन पे प्ले लिस्ट बन गया है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि मधुमक्खी में पुम धुप होता है मधुमक्खी में पुम धुप होते हैं जनन छम में जनन छम मादा में अनवर नर में या अनवर मादा में जनन छम नर जनन छम मादा अनवर नर अनवर मादा देखिए मधुमक्खी में जो पुम धूप होता है वह किस में होता है जनन छम में होता है पहला ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा ठीक है मधुमक्खी में ड्रोन या पुम धूप बोला जाता है इसको ड्रोन भी बोला जाता है यह जन छमर मेल में होता है मधुमक्खियों का संभोग कीट दुनिया में सबसे नटकी यौन हाथ हत्या के उदाहरणों में से एक है जिसका अंत ड्रोन की मत के रूप में होता है तो आई होप सारी चीजें आपने समझ लिया होगा इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीन में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है यात्री कपोत पर्वती बटेर गुलाबी शीस या आईविस की बात कर रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहने ग्रहण जिनका सपना है टी टी एग्जाम को एक सौ एक परसेंट फतेह करना जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं तो इनमें से एक विलुप्त प्राणी को बताना सभी लोग बताइए देखिए इनमें से विलुप्त प्राणी आपका हो जाएगा यात्री कपूर पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद इसी से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है की कप कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है फसल पक्षी स्तनधारी या ये सभी की बात करते सभी कमेंट कीजिए देखिए कपोत दुग्ध कब कप, उत्पन्न करता है तो कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है कौन उत्पन्न करता है ये आपको बताना है देखिए कपोत जो दुग्ध होता है वह एक पक्षी उत्पन्न करता है मुख्यतः पक्षियों में आपका कबूतर पक्षियों में कौन है आपका कबूतर इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले एक स्त्राव होता है जो दूध के समान होता है कबूतर से स्पेशली पक्षी द्वारा और स्पेशल पक्षियों में कबूतर द्वारा एक स्त्राव होता है जो दुग्ध के समान होता है जिसे कपोत दुग्ध बोला जाता है देखो तो कौन उत्पन्न करता है पक्षी खासतौर पर कबूतर अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा बाघ हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है जी हाँ ऐसा भाग बताइए हाथी का जो गजदंत के रूप में बदलता हो रदनक हो गया अग्र चवर्णक हो गया दूसरा कृदंत हो गया या चवर्णक हो गया सभी बताइएगा तो ऐसा भाग जो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता हो वह कौन सा कहला जाता है तो वह कहला जाता है दूसरा कदंत जी हाँ दोस्तों हाथी के ऊपरे जड़ के जो दो क्रदंत होते हैं जीवन भर वृद्धि करते हैं और बड़े और लंबे गजबन के रूप में बदलते हैं तो वह कहलाता है दूसरा करदंत ठीक है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है मछलियों के लिए छिपकलियों के लिए पक्षियों के लिए या उभयचरों के लिए किया जाता है सभी कमेंट कीजिएगा देखिए डार्विन की बात करेंगे डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए जो है किया जाता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तो दोस्तों पक्षियों के लिए किया जाता है ठीक है डार्विन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे देखिए डार्विन के फिंच अनुकूली विकिरण के अध्ययन का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है डार्विन के फिंच छोटे काले पक्षी हैं जिन्हें डार्विन ने गैला पागोस द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान देखा था डार्विन के फिंच डार्विन ने गैला पगोस द्वीपों पर फिंच की कई प्रजातियों का अवलोकन भी किया था ठीक है तो डार्विन फिंची का प्रयोग समूह किसके लिए जाना जाता है तो वह आपके पक्षियों के लिए जाना जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युग्म का विवृत्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र जी हाँ इस युग्म का बताना आपको जिसमें विवृत्त प्रकार का परिसंरण तंत्र होता है कब है केचुआ और जोक है आदमी और व्हेल है काकरोच और सिल्वर फिश है टेरपॉल और लार्वा और मस्क की बात करते हैं तो किस युग का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है और वह कहलाता है काकरोच और सिल्वर फिश इधर राइट आंसर किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रत्येक कमेंट फीडबैक सरोपरि है शर्मान है जयसपाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं अगला प्रश्न आ चुका है अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि में से कौन कीट नहीं है देखिए तितली तिलचट्टा मच्छर मकड़ी देखिए देखा जाए रीढ़ की हड्डी इनमें से किसमें विद्यमान है तो तितली में है तिलचट्टे में है मच्छर में है लेकिन मकड़ी में नहीं होती इसलिए मकड़ी यहाँ पर आपका एक कीट नहीं होगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है कि बिलोपन की कगार पर सर्वाधिक संगठापन एशिया का शीर्ष पर कौन होता है साइबेरियाई बाघ ढोल काला भालू या एशियाई शेर विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संगठापन एशिया का शीर्ष पर देखिए पर दिया गया है ढोल को क्या बोला जाता है जंगली कुत्ता ये जान लीजिए ढोल को बोला जाता है जंगली कुत्ता तो बिलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का जो शीर परवच्ची हो जाएगा वह ढोल ही हो जाएगा अर्थात जंगली कुत्ता हो जाएगा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है और यह परवच्ची जंतु होता है जो भेड़िए से कुछ छोटा होता है और ये कहाँ हिमांचल के सदाबहार वनों पे यह जंगली कुत्ता ढोल पाया जाता है अगला है इनमें से बेमेल कौन सा बताना है आपने देखिए अंकुश कमी सुना है फीता कमी सुना है नहरुआ हो गया लेकिन दाद क्रमी आपने नहीं सीखा होगा ये दाद खुजली होता है ये दाद कोई कमी नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पे हम एक टू क्वेश्चन बीमेल आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन बाकी और बारे में जाने अंकुश क्रमी के बारे में जानते हैं जिसे हम हुक्वर्म भी कहते हैं ये बेलनाकार छोटे छोटे भूरो रंग की कमी होती है यह अधिकतर मनुष्य के क्षुद्र अंत अर्थात इस्माल इंस्टस्टाइन के पहले भाग में रहता है इनके मुंह के पास एक काटिया सा अवयव होता है इसी कारण ये अंकुश क्रमी कहलाता है किसके कारण इसके मुंह के पास क्या होता है एक काटिया सा अवयव होता है इसलिए अंकुश क्रमी कहलाता है कर्म की बात करेंगे दूसरा आता क्रमी देखिए फीता क्रमी एक क्या है आपका अमेरू दंडी परजीवी होता है यह रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंत परजीवी के रूप में निवास करता है और इसकी कुछ फीट या थर्टी मीटर तक बढ़ सकती है इसका शरीर फीता की तरह लंबा और अनेक खंडों में बटा होता है शरीर के प्रत्येक खंड में खंड को क्या बोला जाते हैं शरीर के प्रत्येक खंड के इसको क्या बोला जाता है प्रोग्लोटिड प्रो कहते हैं क्या बोला जाता है प्रोग्लोटिड कहते हैं ठीक है तो फीता कम के बारे में आपने समझ लिया अच्छे तरीके से अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है रेशम कीट पालन में मधुमक्खी पालन में उद्यान कृषि में या मछली पालन में ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न वैसे हो जाता है आप सभी लोग इसका आंसर भी आसानी से दे लेंगे ठीक है तो सभी लोग जानते हैं मधुमक्खी का प्रयोग किसके लिए मधुमक्खी पालन की बात करते हैं मधु या परागरण आदि की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी पाली जाती है और एक कृषि उद्योग होता है मधु मक्खी पालन कौन सा उद्योग है कृषि उद्योग में आ जाता है मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों के रस से शहद में बदल देती हैं और उन्हें छत्तों में क्या है धीरे धीरे जाके जमा करती हैं फूलों को शहद में रूप में कौन परिवर्तित कर देता है मधुमक्खी अगला प्रश्न विभिन्न जातियों को एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है हरबेरियम शुक्राणु बैंक रुधिर बैंक या जर्म प्लाज्म बैंक की बात करते हैं विभिन्न जातियों को एक्स सी टू संरक्षण यह आप समझ लीजिए एक्स सी टू संरक्षण है क्या जी तो एक्स सी टू संरक्षण के लिए जो उद्दिष्ट है वह है आपका जर्म प्लाज्म बैंक क्या हो जाएगा जर्म प्लाज्म बैंक इज द राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बाया महाधमनी जो है चाप इनमें दिखाई देता है जलस्तर स्तर में स्तनपाई में सरीसृप में या एवीज में दिखाई देता है तो महाधमनी बाया महाधमनी चाप की बात करेंगे ठीक है लेफ्ट की बात करेंगे महाधमनी चाप किन में दिखाई देता है तो स्तनपाई की बात करेंगे ठीक है देखिए क्या होता है प्रारंभ में जो होता है दाएं और बाएं दोनों युग्मित महाधमनी चाप होते हैं प्रारंभ में शुरू में दाएं और बाएं दोनों युग्मित होती हैं लेकिन दाया महाधमनी चाप आमतौर पर दाहिने हाथ की अपूर्त करने वाले एक छोटे पोत में वापस आ जाते है। और मुख्य चाप के रूप में बाएं महाधमनी चाप का छोड़ देता है ठीक है पहले युग्मित होता है लेकिन दाया महाधमनी चाप आमतौर पर क्या होता है दाहिने हाथ की आपूर्ति करने के लिए एक छोटे पोत में वापस आता है और मुख्य चाप के रूप में बाएं महाधमनी चाप को यह छोड़ देता है तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई अगला प्रश्न इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है ऑप्शन देखिए कोबरा वाइपर कोरल स्नेक अजगर देखिए इनमें से देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा जहरीला नहीं होता है तो अजगर यहाँ पे जहरीला नहीं होगा क्यों देखिए अजगर गैर जहरीले सांप है क्योंकि उनके पास कहे जहरीली नुकीली दांत नहीं होता है ठीक है अजगर सांप आकार में बड़ा शक्तिशाली तो होता है लेकिन किसी भी जीवित जानवर इंसान को निचोड़ कर मारता है यानी पकड़ कर कस कर ठीक है पकड़ लेगा एकदम से उसको बिल्कुल दबा लेता है और उनके पास एक त्रिकोणीय सिर होता है तेज दांत और परिग्राही पूंछ होती है इनके दांत पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं ठीक है तो जहरीले नुकीले न होकर इनके दांत क्या होते हैं पीछे की ओर जो है मुड़े होते हैं और इनकी कुछ प्रजातियाँ का आकार दस सेंटीमीटर होता है जबकि अजगर का सांप जो है लगभग पच्चीस फुट तक लंबा हो सकता है सांप जो है मेढ़क छिपकली पक्षी चूहे तथा दूसरे सांप को खाता है यह कभी कभी बड़े जंतुओं को भी निगल जाता है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जली प्राणी है खारे पानी का मगर आलिव रिले टर्टल जिसे कुर्म कहते हैं गंगा की डाल्फिन या घड़ियाल सभी बताइए देखो तो इनमें से एक भारत का राष्ट्रीय जली राष्ट्रीय जली जो प्राणी कहला जाता है वह कहलाता है गंगा की डॉल्फिन गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जली जीव कहलाता है और यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व भी करती है क्योंकि यह केवल शुद्ध और ताजे पानी में ही जीवित रह सकती है इसके साथ पर्यावरण वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डाल्फिन को राष्ट्रीय जली के रूप में अधिसूचित किया था तो कब किया गया 18 मई 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा वैज्ञानिक नाम क्या है प्लेटनेस्टा गंगेडिका इसका वैज्ञानिक नाम है यह विश्व में पाई जाने वाली पांच नदी डाल्फिनों में से एक आपकी है सांस लेते समय किए जाने वाले शोर के कारण उन्हें स्थानीय रूप से सुसु के नाम से भी जानते हैं और यह प्रजाति भारत नेपाल भूटान बांग्लादेश में गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कर्णफुली नदी कुछ हिस्सों में यह बसी हुई अगला प्रश्न है मानव सहस लघुतम कपी है गिबन चिंपांजी, गोरेला या और गुटान की बात करते मानव सहस लघुतम कपी की बात कर रहे हैं वह हो जाएगा गिबन इज द राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न है इन जानवरों में किसे जबड़े नहीं होते हैं ट्राइगोन मिक्साइन सिरफना या सार्क की बात कर रहे हैं तो किन जानवरों में जो है जबड़ा नहीं होता है सभी बताइए तो मिक्साइन देखिए मिक्साइन जो है आपका जबड़ा रहित होता है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं तो मिक्साइन जबड़ा रहित होता है जंतु कहलाता है यह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य होता है प्रश्न आ गया किसके दांत नहीं होते जबड़ा रहित तो आपने जान लिया मिक्साइन किसके दांत नहीं होते कछुए और स्थलीय कछुए के दांत नहीं होते हैं उनके पास खाना खाने और शिकार कर शिकार को पकड़ने के लिए चोंच होती है तो कछुआ किसके द्वारा शिकार करता है चोंच के द्वारा जो है शिकार करता है और कुछ कछुए जो होते हैं मूल रूप से पानी में रहने वाले सुगठित शैल वाले जीव होते हैं और इस कथली छुआ भूमि में रहने वाला जीव होता है इसके साथ साथ स्थली मेढ़क और मेढ़क के भी दांत नहीं होते हैं मेढ़कों की पतली त्वचा होती है जो कि चिकनी होती है और लम्बे पैरों के साथ होती है जबकि स्टाथली मेड़कों की छोटी टांगों के साथ जो है मोटी त्वचा होती है अगर मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छों की नुकीली वी आकार की थूथन होती है एलिगेटर की बड़ी थूथन होता है मगरमच्छ आमतौर पर खारे पानी में रहता है जबकि एलिगेटर ताज़े पानी में रहता है इसलिए इसे घड़ियाल मगरमच्छ कहते हैं चींटी में भी दांतों की कमी होती है तो दांतों और जबड़ा के बारे में हमने आप जान लिया किन किन जानवरों पर क्या सारी चीजें प्रोसेस होती है दांत और जबड़ा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिल्टेटा या एनोलीडा की बात करते हैं तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है इसे दोस्तों प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है प्रोटोजोआ या इसे ऑप्शन में जीवगण भी आ सकता है ठीक है तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए जीवगण प्रोटोजोवा एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक के एक समूह के लिए एक अनौपचारिक शब्द होता है जो या तो मुक्त जीवित परजीवी होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों या कार्बनिक उत्कों और मलबे जैसे कार्बनिक पदार्थों पर यह फीड करता है अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा जिसे अक्सर एक अमीबिट कहा जाता है एक प्रकार का कोशिका या एक कोश की जीव होता है जो अपने आकार में बदलने की क्षमता रखता है और मुख्य रूप से स्यूडो को निकालने और पीछे हटने से यह रीजन इसका होता है प्रोसेस इसका होता है फंक्शन इसका होता है अगला निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती सभी लोग जानते हैं सिंपल सा प्रश्न दिया गया है किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है सभी लोग जानते हैं है. है? है. अमीबा की आकृति जो है निश्चित नहीं होती है अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देती है तो अमीबा को इसका अनियमित आकार दे देता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता को इसका वित्ती नहीं होती ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है तो आप सभी लोग जानते हैं चप्पल की आकृति का जो जंतु कहलाता है वह हमारा कहलाता है पैरामीशियम ठीक है भी ऑप्शन आप यहाँ पे सही हो जाएगा अगला जो प्रश्न दिया गया कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है सीलिया फ्लैजिला कूटपात या टेंटिकल्स की बात करते हैं तो अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जा रहा है तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है कूटपाद होता है सी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है अमीबा के शरीर के कुछ अस्थाई प्रवर्ध निकलते हैं जिनको कूटपात या नकली पैर कहते हैं पहले चलन की दिशा में एक कूटपात निकलता है फिर उसी कूटपात में धीरे धीरे सभी कोसारस बहकर समा जाता है और इसके बाद ही या साथ साथ यह नया कूटपात बनने लगता है तो आज की क्लास हमने ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कल की जो क्लास में अंगली क्लास रहेगी सेकंड यूनिट अंगली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो अंगली यूनिट से क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज क्लासेज चल रही हैं सभी लोग ज्वाइन कीजिए डेली हमारी इलेवन थर्टी टू ट्वेल्व पी हमारी डेली क्लास होती है प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना है सभी क्लास से ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है शिक्षकों का अवर टीचर्स फैमिली है सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम मिलता हूँ आपके अंगली क्लास पर धन्यवाद